पर भाई माइनस डिग्री टेम्परेचर रहता है, पूरा ताल जमा हुआ होगा, लेकिन हम वहाँ पे पूरी रात रुकेंगे। और अभी मैं हूँ केदारनाथ में और हम जा रहे हैं वासुकी ताल। मेरे पीछे पहाड़ देख रहे होंगे, वो पहाड़ जो नीचे से सुंदर नहीं लगते है ना, वो यहाँ से मेरे को बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि भाई गिरते गए, पूरा भाई ऊपर तक पहुँच के गए, इतना मजा आ गया ना, पूरा ग्लेशियर जमा हुआ था, अलग ही नजारा था वासुकी ताल का। लेकिन भाई हमारे ना एक आदमी मरते मरते बताया, कहाँ तक जाके हम भाई कहाँ बताए, बर्फ में रास्ता भूल गए और पता नहीं वासुकी ताल जाके आए हैं या फिर बीच में से आगे, कोई पता नहीं क्यों। वो झरना है, उधर कोई सी चट्टान देखेंगे और उसके नीचे बैठेंगे पूरी रात, और वो बादल यहाँ तक पहुँचे उससे पहले अपन को वहाँ पहुँचना है। देख लो ना आप, इधर से आए अपन, यहाँ से चढ़ गए, अगर यहाँ से स्लिप करे तो हम सीधा नीचे जा सकते हैं। है? बर्फ गिर रही है, बरसात हो रही है, देखो वहाँ तक पहुँच गई। और देखो सामान ले लेता हूँ और फिर चेन बना के अपन ऊपर चलेंगे। जगह मिल गई बढ़िया सी, और वो बढ़िया सी जगह कैसी होती है देखो आप। द वन पीस। मौसम चेंज हो गया है, अचानक से मैं यहाँ पे खाना खाने आया था आश्रम के अंदर, यहाँ पे देखो बर्फ गिरने लग गया है और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े बर्फ के दाने गिरने लग गए, और मौसम देख लो हेलीकॉप्टर बंद हो गया है। और आप भी देख लो अगर हेलीकॉप्टर से आए हो तो मौसम का ध्यान रख के आए, चेक करिए आए, और मुझे अब भागना पड़ेगा वहाँ पे आश्रम के अंदर, बर्फ गिर लग रही है मेरे। आज फाइनली अपन दर्शन करने वाले हैं मंदिर में, आज फाइनली अंदर जाने के बाद कैमरा बंद कर दूंगा। अभी देखो दर्शन की लाइन में लगे हुए हैं और दर्शन करने जा रहे हैं, हर हर महादेव। बस अंदर जा रहे, देखो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, हर हर महादेव बंद कर देता हूँ। खमा गणी नॉमेड शक्ति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय माता जी किस्सा, आज आपका भाई चैलेंजिंग करने वाला है, बहुत तगड़ा वाला, जिसमें बहुत खतरा भी हो सकता है। और अभी मैं हूँ केदारनाथ में और हम जा रहे हैं वासुकी ताल। मेरे पीछे पहाड़ देख रहे होंगे, इस पहाड़ के 7 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद वासुकी ताल आएगा। वहाँ पर भाई माइनस डिग्री टेम्परेचर रहता है, पूरा ताल जमा हुआ होगा, लेकिन हम वहाँ पे पूरी रात रुकेंगे और विदाउट टेंट विदाउट स्लीपिंग बैग। हमारे पास सिर्फ है ये है शक्ति नोमेड शक्ति। तो हमारे पास है सिर्फ ये रेनकोट, कितने रेनकोट है? 3 रेनकोट है हमारे पास, सिर्फ ओनली 3 रेनकोट। 3 रेनकोट, कुछ नहीं है इसके अलावा, कुछ नहीं होगा, बस रात भर रुकना है, चैलेंजिंग करना है कि अपन हम सरवाइव कर पाएंगे। अगर ऐसे मौसम में हम सरवाइव, ऐसे माइनस टेम्परेचर में अगर सरवाइव कर पाएंगे तो हम और भी ट्रैक करेंगे खतरनाक। तो स्टार्टिंग हम करते हैं भोले बाबा से और वासुकी ताल से, और हमारे साथ है ये 2 जने पंकज भाई, और बहुत मजा आने वाला भाई, मजा आएगा ना, ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है ये वीडियो। ना खाना ना कुछ, ना बस खाना ना कुछ पीना, बस पूरा चढ़ जाएंगे ऊपर। भाई से रास्ता पूछते हैं, और भाई कैसे, क्या नाम है? ऋषभ भाई, ऊपर जाने का रास्ता बताना है, यहाँ पे जाना है ऐसे ऊपर, आप ये डंडी छोड़नी नहीं है, सीधा ये जा रही है लाइन पर, सीधा टेंट पहुँच जाएगी। वासुकी ताल कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? होगा 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर, थैंक यू। चलो भाई रास्ता पता चल गया है, मेन चीज़ यही थी रास्ते की, और फाइनली वासुकी ताल। ये रास्ते जाना है अपन को, खूब सारे लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया, अगर आप जाते हो तो इस समय मत जाना। रेस्ट और रेस्ट भाई, उसके बाद सीधा एक रेस्ट और एक वीडियो डाल दी मैंने इंस्टाग्राम पे, और आप इंस्टाग्राम पे रील नहीं देखते हो तो जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर हमको ट्रैकिंग का रास्ता मिल गया, एक भाई ने बताया था, देखो ऐसा ऐसा ठेठ ऊपर तक ट्रैकिंग जा रहा है। और एक बात बता दूँ, वो जो चट्टान के नीचे दिख रहे हैं ना, वहाँ पर एक साधु महात्मा रहती है, और वो 6 महीने इधर रहती है और 6 महीने अपने घर पे रहती है या कहीं आश्रम में रहती है। और मैंने उसको 3-4 बार ही देखा, जब वो खाना खाने या महादेव के दर्शन करने आते हैं तभी देखा उन महात्मा को। वो ऊपर में देखो अभी है भी, लेकिन वो मिलते जुलते नहीं है किसी से। अपने गेट के बाहर भी यहाँ बोर्ड लगा रखा है, सख्त मना आना, क्योंकि उनको शांति चाहिए, इसलिए 6 महीने इधर रहते हैं, बोलेगी तपस्या करते हैं। और भी यहाँ से जो व्यू देख रहे हो यार, कितना सुंदर आ रहा है ना, वहाँ पे अपने महादेव जी का मंदिर, और पीछे और भी लेक है, और पहाड़ जो नीचे से सुंदर नहीं लगते हैं ना, वो यहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है बिल्कुल पहाड़ों के बराबर आ चुका हूँ। और यहाँ पर बैठे हैं हम, रेस्ट कर रहे हैं। और भाई क्या कंडीशन ये है कि घने थक गए हैं, हाँ, क्योंकि अभी तो कुछ 2% ही किया अभी तो, हाँ अभी तो 88% है बाकी, आगे जाके हालत खराब तो होनी है, लेकिन हार नहीं माननी है, तीनों से कोई हार नहीं मानेगा, रुकेंगे बस फुल टाइम। जय बाबा की, जय बाबा की। हाँ बाबा,
भाई थकान तो बहुत है लेकिन मजा बहुत आ रहा है। आ रहा है और आगे आगे और मजा आएगा। मुझे में दर्द है और दर्द में मजा है। मजा है तो इसके फाड़ेंगे भाई फाड़ेंगे और रुकेंगे फाड़ देंगे की बारे। हाँ और टक्कर में आओगे आज चैलेंज में। हाँ और जो चैलेंज करो ऐसा करो कि मेरा मतलब कहने का मतलब यही है कि एक अचीवमेंट होना चाहिए आपके पास कि हम वहाँ पे ऐसे रुकें हम वहाँ पे इतना रुकें। और मेरा ये रिस्की चैलेंज दूसरा है दूसरा अचीवमेंट होने वाला है। अगर ये कल सुबह तक बढ़िया हो गया जिंदा रहें तो ये दूसरा अचीवमेंट हो जाएगा मेरी लाइफ का। अभी भाई आधे रास्ते तक पहुंच गए और हमको कुछ ट्रेवलर है जो ऊपर से आ रहे हैं। भाई कैसा है ऊपर? भाई पूरा जो है ना वास्की ताल गए। जो लोग अभी यहाँ पे जाते हैं ना चूतिया बनाते मतलब बेकूफ बनाते हैं भाई। हाँ। पूरा लास्ट पॉइंट तक गए पूरे कपड़े गीले हो गए। हाँ। यूं भाई गिरते गए। हाँ। पूरा भाई ऊपर तक पहुँच के गए इतना मजा आ गया ना पूरा ग्लेशियर जमा हुआ था। हाँ। अलग ही नजारा था वास्की ताल का। अगर आप आ रहे हैं तो जून के बाद आओ। ग्लेशियर को समझ ट्रैकिंग का एक मेन पॉइंट रहता है ग्लेशियर को समझना जो कि आपके भाई को बिल्कुल आता है टेंशन मत लो। और ये भी आ गए मारवाड़ी भाई साहब क्या हाल चाल? बढ़िया है भाई। आएगा जार? हाँ जार आ गया। मैं तो ऊपर रुक बड़ा यार पर रुको आप रुको आराम से रुको। लेकिन भाई हमारे ना एक आदमी मरते मरते बताए कहाँ तक जाके आए हम भाई कहाँ बताए बर्फ में रास्ता भूल गए। हाँ और पता नहीं वासुकी ताल जाके आए हैं या फिर बीच में से आ गए कोई पता नहीं क्योंकि रास्ता था नहीं। इसका क्या हो गया? ये इसका सांस निकल रहा था बिल्कुल ही बर्फ में पानी नहीं था बर्फ में पानी मांग रहा था कहाँ से लाए। अब हमने क्या किया कि मुंह में बर्फ डूस दी। अच्छा आके बाहर आ गई भाई खतरनाक था कुछ भी कहो रास्ता नहीं मिलता है वहाँ पे तो मेरे को पता है शक्ति भाई कर लेगा। भाई करेंगे चैलेंजिंग करेंगे 24 आवर्स उधर रहेंगे कल आएंगे वापस। और बाकी भोले बाबा की कृपा है अगर भोले बाबा ऊपर रहते हैं तो अपने भक्तों के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकेंगे कि भाई बिल्कुल बिल्कुल शक्ति भाई जिंदाबाद राजस्थान जिंदाबाद राजस्थान जय मारवाड़ी जय मारवाड़ी। क्या करो ओए ये मेघालय मेघालय वाली हालत खराब हो गई भाई ये तो पहाड़ी है ना। अब ऐसे मान लो 50% अपन पहुंच गए ऊपर और यहाँ से देखो ये झरना बह रहा है इस साइड तक वासुकी ताल से आ रहा है झरना। और उसके पास जो नीचे ग्लेशियर है ना सबसे डेंजर ये वाला ग्लेशियर होता है जो झरने के किनारे जमा हुआ होता है क्योंकि ये अंदर से पूरा खोखला होता है। अगर आप इस पेड़ इसके ऊपर चढ़ रहे हो और थोड़ा सा आपने वेट कर दिया तो आप सीधा अंदर जा सकते हो। अगर इसके ऊपर चलना है तो आपको बिल्कुल वेट को हल्का करके चलना पड़ेगा और हल्का करने की कुछ टेक्निक होती है लाइफ में हमेशा आपको टेक्निक्स आनी चाहिए तभी आप ग्लेशियर में चल सकते हो जैसे ट्रैकर्स चलते हैं। और आपका भाई माउंटेनिंग कोर्स भी कर रहा है तो 5-6 साल हो गए तो उसकी ट्रेनिंग खुद ही कर रहा हूँ अभी तो आगे कोर्स करेंगे उसके लिए। क्यों महंग भाई? भाई एक बार तो देखो हम चढ़ के आए पूरा वास्की ताल पर ये भाई मिल गए हमने कहा एडवेंचर से पीछे नहीं हटते पीछे नहीं हटते जाना पड़ेगा। और अभी मैं सोच रहा हूँ जो देखो वो जरीकन दिख रहा होगा आपको ये वाला ये लेके आना है। इसका यूज क्यों आएगा भाई? वो जरीकन इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अपने को रात में और पहाड़ों में छोटी छोटी जो चीज होती है ना सुई वो भी काम आ जाती है काम आ जाती है या ठंड पर किसी भी काम के लिए भाई यूज हो जाएगा। अब देखो अगर ठंड पड़ी तो उसको अपन काफी लंबे समय तक जला सकते हैं आग जल सकती है तो उसको। सबसे ज्यादा कीमती चीज यही है ऐसी अपन को 5 चीजें इकट्ठी करनी है इस ट्रिप के अंदर ठीक है। कितने बजे निकले सुबह नीचे से ऊपर? 7 बजे और फिर शाम को आप पूरा घास के लेके आ जाते हो ना तो ये भाई लोग हैं जो घोड़ों के लिए घास लेके आते हैं और काफी मेहनत करते हैं तभी घोड़े ऊपर से नीचे पहुंच पाते हैं है ना। जय बोले भाइयों ने तो बोला था कि काफी डेंजर है ठंडा है ऊपर मत जाओ लेकिन जिद्दी है हम जिद्दी भाई हमें ये चीज मिली है काफी कम और शक्ति भाई को भी एक चीज और मिली है ये देखो चप्पल भी लेके घूम रहा हूँ लोगों की आपके लिए ना हर एक चैलेंज में हर एक चीज कीमती है नजर आप मारते चले कहीं भी आपको कुछ भी चीज मिल सकती है जो आपको काम आ सकती है नजर हटी तो दुर्घटना सामान देखो कुछ ऐसा लिया है ये चप्पल जलाने के काम आएगी क्योंकि रबड़ है तो काफी इजी तरीके से ये जल जाती है और ये शायद जरीकन भी काफी लंबे समय तक जलेगा। माचिस 2 लेके आया हूँ लाइटर इसलिए नहीं लाया क्योंकि लाइटर जलाना ऊपर काफी मुश्किल हो जाता है जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है वहां पर लाइटर नहीं जलता है और माचिस भी मुश्किल से जलेगी देखना आप। ये सामने चट्टान देख रहे हो आप जस्ट इस चट्टान के नीचे है ना
आप अपनी लाइफ को बचा सकते हो, अपनी जिंदगी को बचा सकते हो, क्योंकि ऐसे ट्रैक में बारिश होना कोई पता नहीं है, कभी भी हो सकती है। तो सीधा आपको जाना है एक ऐसी चट्टान के नीचे और वहां पे बैठ जाना है, और जब तक बारिश नहीं रुके 5-10 घंटे आपको एक जगह बैठा रहना है, और हर एक आधे घंटे में आपको अपनी मूवमेंट चेंज करना है, जिससे आप बच जाओगे बारिश से और बारिश में होने वाली बीमारियों से, फाइबोफोबिया जो भी होती है। और यहाँ से अपन के पास काफी सामान मिल गया, और साइड तक ऊपर जाने वाले क्या होते हैं ना, काफी सारे टूरिस्ट होते हैं जो सामान तो लेके चल जाते हैं लेकिन आने में उनकी फट जाती है, तो वो ऊपर ही सामान छोड़ के आ जाते हैं, तो उन सामान का आज हम यूज करने वाले हैं। ये देखो इधर जुगाड़ है भाई, रात के लिए भाई, रात के लिए जुगाड़, और रहने के लिए ना तलवार ना चाकू काटने के लिए, लेकिन हाथ ही बहुत है, हाथ ही बहुत है। जब कहते हैं ना इंडिया हो तो जुगाड़ तो बनता है। और हेलीकॉप्टर भी देखो यहाँ से बच्चा दिख रहा है, हमको ऐसा लग रहा है जैसे मच्छर उड़ रहा है वो बारिश के मौसम में। बढ़िया यार, कितने सारे लोग है जो अभी केदार घाटी में मंदिर के सामने दर्शन कर रहे, देखो वो रहे, वाओ, वो दिख रहा है क्या उधर, कुछ गुफा मिल सकती है किधर, रात जान बचाने के लिए किधर, उस साइड में नदी पार करनी है। हाँ उधर बहुत सारी चट्टानें है ना, अभी जस्ट अपन मेन पॉइंट पे पहुंच गए हैं और यहाँ से कल अपन को ये पहाड़ चढ़ना है, तो आज मैं बारिश होने वाली सामने देखो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपना, तो हम इस ग्लेशियर के बीच में से नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा किनारे से होते हुए वो झरना है, झरना है कि उधर कोई सी चट्टान देखेंगे और उसके नीचे बैठेंगे पूरी रात, और वो बादल यहाँ तक पहुंचे उससे पहले पहले अपन को वहां पहुंचना है, ठीक है। सामान एक छत्ता और मिल गया हमको एक्स्ट्रा, चलो चलो। बिल्कुल अपन ग्लेशियर पे है अभी, और जब भी अपन इस पे ट्रैक करते हैं ना तो अपने पैरों के कदम कुछ ऐसे होने चाहिए, जैसे देखो मैं आगे रख रहा हूँ तो सिर्फ ये, हाँ, जो अपना आगे की उंगलियां जो पंजे है ना उनको रखना है पहले, जिससे अपने पैर स्लिप नहीं करेंगे, और बिल्कुल हल्का चलना है, ठीक है। और आप ज्यादा जने हो तो चेन बना के चलना है, ठीक है, और काफी रिस्की है। देखो ये है भाई, ऐसी नगरी में हमारे भोले बाबा रहते थे और उनका घर तो कैलाशपति है वो, और यहाँ से काफी सिल्फी होने का रिस्क है, देखो बिल्कुल धीरे चलना है, ये देखो भाई है, यहाँ से पैर स्लिप हो रहे हैं, हमें उधर जाना है तो इसके लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मैं कैसे जाना उधर, ये देखो उधर जाना है, और यार मजा आएगा, बिल्कुल ग्लेशियर के बीचों बीच भाई, भाई एक बात देखो, बर्फ में अगर आप चल रहे हो ना, जो पक्की बर्फ होती है एकदम सफेद, उस पर पैर रखोगे नहीं घुसेगा, जैसे ये वाइट वाइट उस पर पैर रखोगे ना पूरा शरीर घुस जाएगा, क्योंकि बर्फ अभी गल रही बहुत तेजी के साथ गल रही है भाई, बहुत खतरा लिए हैं बहुत ज्यादा भाई। वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे लिए काफी डेंजर हो गया था भाई सच में, काफी देख लो ना आप, इधर से आए अपन यहाँ से चढ़ गया है, अगर यहाँ से स्लिप करे तो हम सीधा नीचे जा सकते हैं, है ना। और वीडियो को शेयर कीजिए, बर्फ गिर रही है, बरसात हो रही है, देखो वहां तक पहुंच गई, और देखो सामान ले लेता हूँ और फिर चेन बना के अपन ऊपर चलेंगे, सपोर्ट नहीं होगा उस पर, एक ये रही है ना, और एक वो, और तीन, ये तीनों चट्टान में जो बेस्ट हो बेस्ट होगी वहां पर रुकेंगे। अभी बस रहने की जगह देख रहा था भाई आज रात, क्योंकि सबसे पहले यही जरूरी है कि अपना रहने का ठिकाना कर लो, अगर आप कहीं ऐसे फंस जाते हो तो। पहाड़ों में भगवान के द्वारा बनाए गए कुछ बहुत ही खूबसूरत घर होते हैं जिसमें आप रात रुक सकते हो, कुछ ऐसा रास्ता है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लाइन टू लाइन यहाँ से पार करना है अपन को, ये देखो भाई क्या नज़ारा है ना, जगह मिल गई बढ़िया सी, और वो बढ़िया सी जगह कैसी होती है देखो आप, इस चट्टान के नीचे सोने वाला है आपका भाई आज पूरी रात। एक बार आपको पता होगा मैं अरुणाचल में भी ऐसे सोया था, आप देख सकते हो पुराने चैनल में जाके, और ये चट्टान इसके अंदर आग भी इजीली जलेगी और बारिश से भी बच सकते हैं हम एक साइड से ढक ढक के, और पूरी रात हम बातें कर सकते हैं और थोड़ा सा जिसको नींद आ रही वो सो सकता है। व्यू देख सकते हो आप कितना खतरनाक है, और वो बादल पूरे बारिश से हो चुके हैं, और वो सामने है वासुकी ताल, देखो कितना खतरनाक है, आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है,
और अभी ट्रैक पे कोई नहीं है, सुबह सुबह बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और वो भाई लोग दोनों पूरा वो सारा सामान हम उनके लिए छोड़ के आ गए। और पंकू भाई भी देखो, और वो टेकन केदारनाथ ट्रैक है, वहां से अपन को ऊपर आना पड़ता है। रहने की जगह मिल गई है, और रहने की जगह ये कोई गुफा है। अब ये पता नहीं कौन सी बिल्ली की या कौन सी तेंदुए की गुफा थी, तो भाई जो भी तेंदुआ है उसको हम सोरे बोल देते हैं। आज तेरे घर पे हमारा कब्जा है और आ गया तो भागना पड़ेगा भाई तेरे को, ठीक है? क्यों, हमारे साथ माता का भी साथ है और भोले का भी साथ है। ये सारी लकड़ियां अंदर लेके जलाने वाले हैं अपन, क्योंकि पुराने लोग जो यहाँ पे आए हैं हमसे पहले, उन्होंने यहाँ पे कचरा फैला दिया था, उस कचरे को हम चुप चुप के यहाँ पे जलाने तो एक फायदा भी हो जाएगा, ठीक है? और भाई भी है, पंकू भाई, मयंक भाई, और कैमरे के पीछे रविंदर भाई। तो अभी सब भोले बाबा के भजन गाएंगे, ऐसी सुंदर जगह पे मजा आएगा भाई। ऐसा तो लग रहा ना कि साक्षात महादेव है, क्योंकि महादेव ने आज ऐसा साथ दिया ना कि मौसम भाई नहीं भाई, भाई आज बारिश ही नहीं भाई, ये तो है ना चार पांच दिन हो गए डेली बारिश हो रही है भाई, डेली भाई। और आज लगता है ना कि कोई पिछले जन्म में ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जो महादेव भी चाहते कि हमारी नगरी में आप आओ और मजे मजे लो। हर महादेव साक्षात भाई, ऐसा लग रहा की महादेव है, महादेव है। और अंदर से देखो आराम से तीन चार जने हम आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा लेटने का भी जुगाड़ हो सकता है, और थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ेगा रात भर, क्योंकि यही है सर्वाइवल पहाड़ों के अंदर, क्योंकि फैसिलिटी हमारे बेड वेड नहीं आएंगे इधर। तो बस आगे आपको सारी अपडेट बताऊंगा, आगे हम कुछ करने वाले हैं वो मैं आगे वीडियो में आगे बताऊंगा, वीडियो कंटिन्यू देखते रहो। सांस फूल रही है, सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, क्योंकि अपन बहुत हाई एल्टीट्यूड पे आ गए हैं और बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे आ गए हैं। और यहाँ पर अपन सामान निकाल रहे हैं जो कि अपन को रात को हेल्प करेगी आग जलाने में और ठंडी से बचाने में। कुछ ये देखो, ये घास यहाँ पर वो नहीं है, लकड़ियाँ नहीं है, तो यहाँ पे घास से काम चला रहे हैं। लकड़ी नहीं है बिल्कुल भी, ऑक्सीजन लेवल जीरो है, जीरो। तो सांस डाउन जा रहा है भाई, डाउन जा रहा है बिल्कुल, सांस लेने में भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। और अभी अभी आगे, अभी तो दिन है, रात हो रही है, रात को देखते हैं कैसे होता है, कैसे सरवाइव कर पाते हैं, क्या होता है। ये देखो ना, एक सिर्फ ये पहन रखा है भाई, तो वो भी एक स्वेटर, नॉर्मल एक नॉर्मल स्वेटर है। चैलेंज को पूरा जरूर करेंगे, वीडियो लंबी हो सकती है, आप वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, पूरे लेकिन मजेदार भी होगी, मजेदार भी एडवेंचर। वो देखो भाई पूरा बिल्कुल बर्फ गिरने लग गई है, और फटाफट सी घास लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे मेरे दोस्त है जिसने घास तोड़ के रखी है, और बहुत सारी लकड़ियाँ है हमारे पास जो कि हमने इधर से ही निकाली है। ओ ओ निकल निकल भाई निकल, बर्फ गिरने लग गए, स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर ठंड है ना, तो बारिश की बूंदे जमकर बर्फ के रूप में गिरती है यहाँ पर। ये देखो, ये इसको निकलवाना है थोड़ा सा, हाँ ये घास के लिए रात भर काम करेगा, बचने के लिए, हाँ जिंदा रहने के लिए, धीरे धीरे जलेंगे तो ये काम होगा भाई। यहाँ पर हम हमारी आग जलाने की व्यवस्था कर रहे थे, तभी हमको यहाँ दिख जाते हैं। बाबा कैसे हो? जय भोले। इतनी ठंडी में क्या कर रहे हो? क्या करेंगे, पहाड़ों के मजे ले रहे हैं। बाबा को याद करने गए थे जी? हाँ, देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसा माहौल है, एकांत इंसान कैसे रह सकता है। अच्छा जी, कैसा जीवन जी सकता है पहाड़ों में। तो कहाँ तक गए थे ऊपर जी? बस इस शिखर में एकदम आखिरी तक गए थे। अच्छा, लेकिन आपके पास चप्पल भी नहीं है जी? हाँ, चप्पल नहीं है, इसी के बगैर तो सरवाइव करना समझ सीखना है। तो यही है, ये कुछ कंडीशन होती है कि आप कंफर्ट जोन को छोड़ो और महादेव को ढूंढो, तभी वो आपको मिलेंगे। जैसे ये आए हैं, नीचे सो भी सकते थे आराम से, जल्दी जा भी सकते थे, लेकिन बिना चप्पलों के यहाँ पे ऊपर जप करने आए थे। बाबा जी आपका नाम? अंकुर पांडे जी, कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश से हो? हम इधर ही सोने वाले हैं, हम भी आज महादेव के ऊपर छोड़ के सब कुछ। लेकिन आप अभी रात को कैसे जाओगे? आप भी यहाँ बैठेंगे, आ जाओ रात में, लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं आप। अभी देखो ना कैसा मौसम हो गया, कैसे जाओगे? जो सोचे होंगे वही होगा, वही होगा। भजन तो कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भजन भी बैठ के कर सकते हैं यहाँ पर। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लाए हैं, आग जलाने के लिए आप लकड़ियाँ भी ले लिए हैं, लेकिन फिर भी जगह चुननी पड़ेगी। चुन लिया महाराज जी जी। देखो ये एक सौभाग्य है कि हम चार लोग आए, आप मिल गए, भोले बाबा की भी इच्छा है
तो बैठ के रात भर गाना बजाना करेंगे। जी जरूर। चलो जगह भी अपनी है, लकड़ियां भी अपने पास है। चलो बस थोड़ा सा एडजस्ट करके रहना पड़ेगा बाबा के नाम। क्यों? हर हर महादेव। हर हर महादेव। दास थाली बा। ये देखो काफी और आगे चाहता था। अच्छा। और शायद दो चार दस दिन तक वापिस ही नहीं आना चाहता था पीछे। अच्छा। फिर मेरे दिमाग में कुछ तो आया, मैंने सोचा कि कोई भी चीज इंसान फर्स्ट टाइम ट्राई करता है कुछ भी, तो सबसे पहले अपने आप में उसको समझना चाहिए। जी हाँ, कि मतलब मैं एक ही बार में किसी भी चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। सही है। और अब इतनी दूर आ गए और अचानक से हमसे भी मिल गए और अचानक से रात को रहने का प्लान बन गया। ये सब प्रभु की इच्छा है। ये सब बोलेगी बस। देखो ये अपना रहने का, आज आग जलाने का सिस्टम। भाई अभी और मेहनत करनी पड़ेगी शक्ति, क्योंकि इनसे अभी काम नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे अभी हमारे पास पूरी रात है और सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हवा ठंडी हवा चलने लगी है। ये लकड़ियां इकट्ठा करके आ गए और हम इधर तीन लोग हैं और हमको ये हिमालय में बाबा मिल गए। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना कि भोले बाबा ही मिल गए सच में। नहीं तो ऐसी जगह कोई मिलता नहीं है यार, बहुत मुश्किल होता है। एकदम दोनों का जो किनारा है बीच का, सीधे आप चले जाएंगे तो आखिरी एक छोर आएगा, उस छोर तक मैं गया था। बहुत ठंड नहीं लग रही थी? जी ठंड तो बहुत लग रही थी, लेकिन यहाँ पर रहने की भी कुछ कलाएं हैं, चीजों का अभ्यास है। निरंतर आप अभ्यास करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, पहाड़ों में रह के तो आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। उस तपोबल से आपको जो है भगवान की शक्ति से ठंडी कम लगती है। जी हाँ। कम लगती है। तो भाई अभी आप बोल रहे थे कि 7-8 दिन उधर ही रुकने का मन था ना आपके पास खाने को है। भाई देखो नंगे पैर है और इधर एक बार दिखा दे, देख लो पहले आप भाई। ये हमारे सनातनी की ताकत है। कोई नहीं, यही तो हमारे सनातन धर्म में ताकत है। भाई ऐसे कौन मिलेगा अपन को यार, इतना टाइम होगा दूर दूर तो कोई नहीं दिखा यार। एक ही दम मेरा आ गया, ये एक दम मेरा आ गया। कौन आ गया? देखा बाबा जी भाई, ये चमत्कार है भाई, चमत्कार है। कहीं ना कहीं प्रभु का, उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं आज मेरे बच्चे जो है वो परेशान हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं खुद आ जाऊं या किसी के रूप में आ जाऊं। वरना भाई यहाँ देख लो चारों तरफ कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, कोई नहीं रुकता, इंसान ना ही जानवर कुछ नहीं है। 12 बजे बाद यहाँ पे आपको कोई नहीं दिखेगा दिन में। अपने आप चारों तरफ से पत्थर के, अच्छा एकदम कांच की तरीके से क्या फील थे, और मैं उसके बीच में बैठा था एकदम शीतल। अच्छा। हाँ, और बढ़ती शुद्धता तो अपने आप शरीर की पूरी हो रही थी, लेकिन बस वही है अशुद्धता आपको यहाँ पर छीण कर देगी पूरी तरीके से, पूरी जो यहाँ पर मतलब जो शुद्ध नहीं है चीजें। हाँ, देखिए यहाँ सब कुछ शुद्ध है, सिर्फ इंसान शुद्ध नहीं है। मतलब अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से शुद्ध होना। जी तो जैसे आप बता रहे, मतलब जो कमंडल है, मतलब जो छूना, कुछ चीज टेस्ट करने के लिए बोल रहे थे क्या? हाँ, कोई भी चीज आप टेस्ट नहीं करिएगा। यहाँ पर आप घूम रहे हैं तो मेरे हिसाब से मुंह खोल के सांसें मत लीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो मुंह खोल के सांसें मत लीजिए। कोई भी चीज जवान पे मत लगाइए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, है ना। हाँ, तब आप नंगे पाँव भी शायद टहल सकते हैं। अगर आपने कुछ भी देखा, वैसे तो अभी आ गया, बहुत सारी चीजें हैं जो देखने लायक हैं, मिलेंगी भी पहाड़ों में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ग्रेविटी मतलब जो गुरुत्वाकर्षण है, आपको उसे समझना है। हर जगह की जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, अलग होता है। आप नीचे हैं, जितना ही ज्यादा नीचे हैं स्टेबल उतना ही ज्यादा ठीक है। आप जितना ही आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये एक खिंचाव है जो बना रहता है। इसका अगर इसको आप तोड़ेंगे किसी भी तरीके से तो यहाँ पर आप जी नहीं पाएंगे। मतलब वो उस तरीके से होगा कि बढ़ती ऊर्जा का संचार निरंतर नहीं हो रहा है आपके अंदर, और निरंतर बढ़ती ऊर्जा का संचार करना है शरीर में, तो फिर कुछ चीजें हैं जिनका अनुभव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं तो रहना चाहता हूँ अगले शायद 1-2 महीने 3 महीने, पर मेरी जरूरत की कुछ चीजें हैं उनको पूरा करके फिर शायद ऊपर निकलूं मैं आराम से। बढ़िया। हाँ, एक पुस्तक भी ले लूं, भगवद गीता,
और एक कमंडल और वस्त्र तो फिलहाल है ही, शायद वस्त्र को भी बदलना पड़ जाए या ना बदलू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जरूरत की चीजें होनी चाहिए, तब आप एकदम सर्वाइव कर सकते हैं इसमें लंबे से लंबे समय के लिए। आपको क्लाइमेट समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहीं अचानक से बैठ गए और आपने देखा घना कोहरा, अरे बाप ये तो पूरा आसमान ही काला हो गया, ऐसा नहीं है कुछ भी। आप उस तरफ देखिए एकदम ब्लू स्काई है, इस तरफ देखिए एकदम डार्क है, ब्लैक। तो सब शीत ऋतु की वजह से सब कुछ ढक चुका हुआ है, डरना नहीं है बस। आपको बताओ जानवर नहीं देखा बाबा जी, एक चिड़िया देखी बस। चिड़िया देखी आपने? हाँ, चिड़िया। मैंने एक ऐसा जानवर देखा जो यहाँ पर वुल्फ कहते ना भेड़िया, हाँ हाँ, पहाड़ी भेड़िया को देखा एकदम ब्राउन और व्हाइट कलर में पूरा भी जी, ऊपर ऊपर नहीं नीचे ही देखा, उस तरफ शायद टेंट भी लगा हुआ है उधर दो चार, वो तो नीचे लगे हुए हैं, हाँ हाँ, वो तो थोड़ा ऊपर की तरफ है, उसी तरफ जी जी बढ़िया। और बाबा जी अगर मान के चलो यहाँ पे कोई ऐसा जानवर आ जाए तो उससे बचाव कैसे किया जाए? देखिए आप जानवरों से बचाव करने की जो स्थिति है, आपको एकदम शांत रहना है सबसे पहली बात। जो आपकी ध्यान की अवस्था होगी वो शांत चित्त की अवस्था, अपनी जगह से आप सभी पे ध्यान रखे हुए हैं, आपको इस तरीके से ही रहना है उस क्षण में, चाहे कोई भी जानवर हो आपके समक्ष। इस तरीके से आप में एक एकाग्रता और बल बढ़ सकता है, किसी से भी बढ़ सकता है, ऐसे समय बिताएंगे। पहाड़ों मेरा भी कुछ नहीं है, मैं आपको एक्चुअल में बताऊं, मेरा नाम अंकुर पांडे है, सावर्णी गोत्र है, सकुलिया ब्राह्मण हूँ मैं। अच्छा जी। उत्तर प्रदेश जिला सिद्धार्थनगर से हूँ। फैमिली पूरी सेट है, फैमिली बैकग्राउंड में भी सभी है, माता पिता है, भाई बहन है, एक मैं अकेला हूँ, और ब्राह्मण होने के नाते मैं सब एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। 10th 12th पास आउट हूँ मैं, 10वीं 12वीं पढ़ा हूँ, और देश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी जो सत्य है उसका प्रमाण कहीं कोई नहीं दे सकता है आपको, चाहे कौन सा भी बाबा मिले या कोई भी मिले, आपको सत्य का प्रमाण कोई नहीं देगा। जो भी है वो आपको हकीकत में ही मिलेगा जीते हुए, सत्य यही है। मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बता सकता हूँ, जैसे टाइम समय के बारे में, यहाँ पर कि समय कैसे घटता है बढ़ता है, चीजें आपको एक साथ, सभी चीजें एक साथ ही एक ही जगह पे रुकी हुई अलग नजरिए से कैसे दिख सकती है। उसके लिए आपको कितना मतलब संघर्ष करना पड़ेगा लगभग, फिर आपको उसी तरह जीना। महाराज जी को एकदम बढ़िया आसन मिल गया देखो अंदर, और ये आराम से बैठ सकते हैं। आ जाओ भाई, दोस्तों चलते हैं, अपन भी चले अपने घर के अंदर। घर के ये घर बैठने दो, हमने बड़ी मेहनत से बनाया भाई, शक्ति मेहनत से बनाया घर, बहुत खुशी भाई, बहुत खुशी। बर्फ से निकल के बाबा बढ़िया है, आराम से प्लक्टी मार के बैठ सकते हैं। फाइनली उस चट्टान के अंदर आ गए हम, और आज इस चट्टान के नीचे ही अपन बैठेंगे, और ऊपर महाराज जी भी बैठ गए देखो मस्त सीताराम। और पता है एक चीज मैंने फील किया है कि यहाँ पर पहाड़ पर थोड़ा सा ऊपर आते हैं ना, पूरी चमड़ी ऐसे फट जाती है, कुछ अजीब सी हो जाती है। महाराज इतने ऊपर से आ रहे हैं लेकिन अभी भी पूरे चेहरे पे तेज दिख रहा है, बढ़िया। और महाराज का है ना अभी बहुत बड़ा प्लान है, लेकिन वो शेयर नहीं करेंगे, वो अपने आप दिखेगा एक दिन। और कुछ अचीवमेंट्स के लिए जा रहे हैं महादेव को पाने के लिए, कि महाराज हर हर महादेव, हर हर महादेव, जरूर मिलेंगे महादेव, आपके साथ रहे हमेशा और हमारे भी साथ रहे। अब भाई हम भजन कीर्तन करेंगे यहाँ पे बैठ के बिल्कुल आराम से, यहाँ पे कोई हमें रोकने वाला नहीं, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति है। और जहाँ शांति होती है ना वही भगवान का वास, भगवान का वास वही है जहाँ शांति है, आनंदमय हो रहा है बिल्कुल, मौसम भी सर्दी का कोई नाम निशान नहीं लग रहा है। मन मन के दर्पण में राम के दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। दर्पण से राम के दर्शन पाएगा। मयंक तो चल गया, मयंक तो चला गया, और यहाँ पर हम जला रहे हैं आग, और ये हमारा
पूरी रात चैलेंजिंग का स्टार्ट हो गया। कौन चिल्ला रहे? आग जलाना काफी मुश्किल हो रहा है यार, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है ना, और इस वजह से शायद आग जलाने में काफी दिक्कत हो रही है। देखो तीन जगह हमने चेंज कर दी आग जलाने की, और माचिस भी पूरी खत्म होने वाली है। पता नहीं कैसे ये पूरा करेंगे हम चैलेंज। ऊपर बैठा भाई, ठंड बहुत है, जितनी रात होती जा रही है उतनी ठंड होती जा रही है। शाम के लगा लो कि 6:30 होने वाले हैं, 6:30 होने वाले भाई। हाँ बस ये कट्टा जल जाए। कट्टा भी तो नहीं जल रहा है। इन वादियों से, इस जलती आग से, और इसमें बैठ के जिस गुफा में हम बैठे हैं। शाम के अभी 6:30 हो गई है और मेरा फोन है ना, बैटरी बिल्कुल लो होने वाला है, तो शायद तक रात का मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। बाकी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, हम ऐसे ही रहने वाले हैं। यहाँ पे देखो ये अंदर आग का सामान है। अभी काफ़ी सारी लकड़ियाँ हमारी ख़त्म हो गई, तो हम फिर से जंगल में लकड़ियाँ और घास चुगने जा रहे हैं। वो देखो ऊपर पूरा बादली मौसम होने वाला है। जगह काफ़ी अच्छी है ये वाली चट्टान, लेकिन इसमें बताए एक जने के लिए काफ़ी अच्छी है ये। नीचे आग जला दो, ऊपर सो जाओ।